मुरादाबाद के थाना मंजुला क्षेत्र के लाइन पार से कल दोपहर अपहरत 5 साल के बच्चे को पुलिस ने साकुशल गाजियाबाद के कौशाम्बी से एक बस से बरामद कर लिया है। मुरादाबाद SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी पुष्टि कर दी है। कल दोपहर लाइन पार निवासी गौरव के 5 वर्षीय बेटे ध्रुव का अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया था और शाम के समय फोन द्वारा बच्चे को छोड़ने के एवज में 30 लाख रुपए की फिरौती मांगकर परिजनों और मुरादाबाद पुलिस ने हड़कंप मचा दिया था। पुलिस ने इस अपहरण मामले को नाक का सवाल बनाते हुए कई टीम बनाते हुए हर एंगल से जांच शुरू कर दी थी। आज इस मामले में मुरादाबाद पुलिस को उस समय सफलता हाथ लगी जब गाजियाबाद पुलिस ने कौशाम्बी बस अड्डे से बच्चे को बरामद कर लिया। SSP के अनुसार बदमाश बच्चे को बस में लवारिस छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस बच्चे को लेकर मुरादाबाद पहुंची और SSP मुरादाबाद प्रभाकर चौधरी ने पूरी घटना का खुलासा करते हुए बच्चे को सबके सामने लाकर घटना का पटाक्षेप कर दिया। उनका कहना है कि अपहरण करने वाले और 30 लाख की फिरौती मांगने वाले उनके रडार पर हैं, जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। और SSP ने कहा कि बच्चे को बरामद करने वाली पुलिस टीम को IG मुरादाबाद की तरफ से 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। मैं पुलिस और को बहुत और अपनी तरफ से और परिवार की तरफ से बहुत धन्यवाद करता हूँ। आईडी नीचे करो यार। अच्छा, किन लोगों पे शक है आपको कि उन्होंने अपहरण किया होगा? अभी शक तो है, अभी कोई खुलासा नहीं हो पाया उनके ऊपर। किन पर शक है? हमारे रिश्तेदार ही है। अच्छा, क्या रंजिश है? किस वजह से? रंजिश है घर की। अच्छा, मकान को लेकर? जी, मकान को लेकर। तो वो लोग घर पर ही हैं या फरार हैं? शायद घर पे ही हैं अभी। आप खुश हैं पुलिस के कार्य से? बिल्कुल। लगभग 4:15 4:15 के बीच में पुलिस को सूचना मिली थी परिजनों के माध्यम से कि एक उनके बच्चे का अपहरण किया गया है और उसमें कॉल आ रही है, रैंसम के लिए कॉल आ रही है, 30 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। तत्काल उनको बुलाया गया, इनका FIR दर्ज किया गया और उसमें जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया तो उसमें गेटवे से कॉल पाई गई। हम लोगों ने उसका एनालिसिस शुरू किया तो अलग अलग क्षेत्रों में उनकी लोकेशन मिली, जिसमें एक टीम गाजियाबाद की तरफ भी, दिल्ली की तरफ भी रवाना की गई थी और लगातार इसमें रात भर पूरा पुलिस का ऑपरेशन चला। हमारा मुख्य उद्देश्य था बच्चे का सकुशल बरामदगी करना पहले, और उसमें हम लोग सफल भी हुए। गाजियाबाद पुलिस की सहायता से हम लोगों ने बस स्टेशन से बच्चे को सकुशल रिकवर किया और अभी वो यहाँ पे अपने फादर के साथ मौजूद हैं। इसमें जो भी कांस्टेबल से लेकर सारे लोगों ने, इसमें कई थाना अध्यक्षों ने भी बहुत अच्छी भूमिका अदा की, एसओजी की, हमारी सर्विलांस की, सबकी सहायता से ये केस कानावरण हुआ है। जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है तो उनके परिजनों ने अपने ही कुछ रिश्तेदारों पर शक किया है अभी, परंतु उसकी जांच चल रही है कि इसमें सच्चाई क्या है और डिटेल्स हमारे पास काफ़ी आ रहे हैं, उसके माध्यम से एनालिसिस की जाएगी। तो निश्चित रूप से एक दिन के अंदर जिन लोगों ने ले जाकर के गाजियाबाद में छोड़ा था किडनैप करके, उनके बारे में हम लोग निश्चित रूप से गिरफ्तारी करते हैं। क्या कुछ लोग हिरासत में लिए गए? पूछताछ के लिए 2-3 लोग लिए गए हैं, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते। बच्चा कैसे बरामद? मैंने बताया बच्चा गाजियाबाद में बस स्टेशन है, वहाँ से बरामद किया गया है। बिल्कुल सही बात है आपकी, बस में छोड़ के, क्योंकि टीम हमारी गाजियाबाद में थी। जैसे ही हमें यहाँ से पता चला, ऑलरेडी हमारा डेटा एनालिसिस चल रहा था तमाम, और हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते जिसके माध्यम से सारे बिल्कुल पुलिस काम कर रही थी। कहीं ना कहीं से मेरा ये मानना है कि कोई यहाँ लोकल भी हो सकता रहा हो जो पुलिस की मूवमेंट की भी जानकारी दिया हो, कितनी टीमें यहाँ है सर्विलांस के माध्यम से, प्लस CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, उस दबाव में छोड़ के जो है वहाँ से। परिवार के किन लोगों पे शक है तो बताया गया? अभी हम शक है इन्वेस्टिगेशन का ये विषय है, लेकिन इस पर जाँच चल रही है, जल्दी ही पता चल जाएगा, 2-3 दिन लगेगा। सर, एक ही कॉल आई थी की? नहीं, तीन कॉल आई थी और एक कॉल सुबह आई, जिसके माध्यम से हम लोगों ने फिर ट्रेस कर लिया कि कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन हम लोगों ने। सर, बच्चा बड़ा है, कितने लोग थे, कौन थी? बच्चा जो है लगभग 5 से 6 साल के आसपास की इसकी एज है और अभी वो कुछ बता नहीं रहा है। सब हो सकता है कि अभी थोड़ा शौक लगा हो, इस वजह से कुछ बता नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे ये कल परसों तक जरूर कुछ ना कुछ फैमिली वाले बताएंगे। हमारे पास है भी कई आधार भी मिले जिस पे काम चल रहा है।